हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज वजन। सो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन किए कि मैम यहाँ पे ज़ीरो फीस में एडमिशन कैसे होता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तो मैंने भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था। बट यहाँ पे जो इन्होंने ये नोटिस प्रोवाइड करी है, ये ऑफिशियल नोटिस है। इस ऑफिशियल नोटिस को पढ़ लो, इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से आपको ज़ीरो फीस पे एडमिशन लेना है। देखो यहाँ पे जो पूरा लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना, अपना सारा सब कुछ क्लियर कर लेना जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाती हूँ कैसे आप ज़ीरो फीस पे यहाँ एडमिशन ले सकते हो। देखो, जो ज़ीरो फीस पे एडमिशन होता है वो कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होता है। 50% रिजर्वेशन SC ST वाले बच्चों को मिलता है, उसी में यहाँ पे ज़ीरो फीस में एडमिशन होगा। ज़ीरो फीस में एडमिशन आपका स्टार्टिंग में हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट या आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका 2 लाख से कम, आपका ज़ीरो फीस पे एडमिशन तब होगा जब आपके पेरेंट्स की जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो इनकम है बेसिकली, वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, उसमें ये लिखा हो। प्लस यहाँ पे जो फैसिलिटी लिखी हुई है, यहाँ पे देखो सब कुछ क्लियर इन्होंने कर दिया है कि कैसे का मिलेगा और किस डिपार्टमेंट को मिलेगा और कैसे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लेटर दे रहा है, इन सब से रिलेटेड इन्होंने बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे आपको अगर बोलें तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, SC ST सर्टिफिकेट अवेलेबल है, अगर आपके 2 लाख से कम है जो वो जो फैमिली इनकम है, तो यहाँ पे आपके एडमिशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा। इन्होंने ये अपनी जो ज़ीरो फीस के लिए बताया है, ज़ीरो फीस के लिए इन्होंने जो नोटिस निकाली है उसको आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से क्लियर कर सकते हो जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे बेसिकली जो रिज़र्वेशन के लिए आपका जो PDF है, जो आपके पास अपना फॉर्मेट है, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, वो ला करके ज़रूर से देना है। वो ला करके देखो, तभी यहाँ पे आपका एडमिशन ज़ीरो फीस पे हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपका स्कॉलरशिप आएगा, पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद जब आपका स्कॉलरशिप आएगा तो स्कॉलरशिप से आपका पैसा कंडक्ट करा लिया जाएगा। मतलब वो कंडक्ट मतलब जो यहाँ से आपका पैसा आएगा वहीं से वो पैसा निकाला जाएगा। आपको जो फीस यहाँ देनी है वही फीस आपकी जो यहाँ स्कॉलरशिप आपका आएगा, उस स्कॉलरशिप वाले पैसे से आपकी फ़ीस कट जाएगी जब यहाँ स्कॉलरशिप आएगा, और जो बचेगा वो आपको अकाउंट में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो कुछ ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये ऐसे फीस होती है, ज़ीरो फीस पे एडमिशन ऐसे होता है BBAU में। इन्होंने ये नोटिस निकाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5/7/2024 की ये नोटिस है। ओके, अब जो जानकारी होगी वो हम आगे के वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू सो मच।